हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक टी टाइम स्नैक्स बनाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और यम्मी बने थे। मैं आपको क्या ही बताऊं यार। तो आप इसको चाय के साथ बना सकते हो, ये बहुत ज़्यादा यम्मी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, दिखने में ही यमी नहीं, खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, 2 स्पून सूजी, नमक और थोड़ा सा तेल। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल के हम इसको एक डो की तरह बना लेंगे। याद रखिएगा, इस डो को हमें सॉफ्ट नहीं बनाना है, इस डो को हमें टाइट बनाना है। तो उसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है। थोड़ा थोड़ा आटा लगा के हम इसको रोल कर लेंगे। याद रहे, हमें ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाना है, जितना चाहिए उतना ही लगाना है। ऐसे हमें आटा थोड़ा थोड़ा सा लगाते हुए ऐसे बेल लेना है। आप इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये देखिए, हम इसको कॉर्नर्स में भी ऐसे ही पतला सा बेल लेंगे। इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसको कट्स लगा लेंगे। आप हम इसको जो किनारे हैं वहाँ कट नहीं लगाएंगे, सिर्फ मिडिल पार्ट जो है वही कट लगाएंगे, जैसे वीडियो में शो किया है। ये देखिए, ऐसे हम इसको कट लगा लेंगे। लगाने के बाद हम इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए, फोल्ड कर लेंगे हम ऐसे ही। हमें जो कॉर्नर्स होते हैं ना, फोल्ड करते समय ही थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि इसका शेप अच्छे से आए। ये देखिए, लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा रोल करके कॉर्नर्स अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि इसका शेप बहुत अच्छे से आए। सारे आटे से हमने ऐसे ही शेप्स तैयार करके रख लिया है। तो अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इन्हें एक के बाद एक डाल के लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। हमें फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। अगर हम फ्लेम को बढ़ा देंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर हम इसको लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से इवेनली फ्राई हो जाएंगे। इस पॉइंट को आप याद रखना। एक्चुअली मैंने इसको लास्ट वीक बनाया था, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और झटपट से बन गए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लूँ ताकि आप लोग भी इसको बनाओ और खा सको। आप लोग इसको बनाकर मुझे फीडबैक ज़रूर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये पसंद आए थे कि नहीं। तो सारे आटे के हम ऐसे ही शेप्स बनाकर तैयार करके रख लेंगे। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने इसको दोनों साइज़ के भी बनाए थे, मैंने छोटे वाले भी बनाए थे और बड़े वाले भी बनाए थे, दोनों बहुत अच्छे से आए थे। ये देखिए, ये सारे पक चुके हैं। हम इसको ऐसे तेल रिमूव करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऐसे हमें तेल अच्छे से रिमूव करके ट्रांसफ़र कर लेना है। जो बाकी के हमने बना के रखे हुए थे उन सारों को हम बैचेस में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हम एक एक करके इसको डालेंगे और फ्राई करेंगे। हमें याद रखना है कि फ्लेम लो ही रहे, आपको इसे भूलकर भी हाई नहीं रखना है।
हमें इसको कंटिन्यूसली फ्लिप करते रहना है ताकि ये इवनली पक जाए। ये देखिए इनका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम इस बैच को रिमूव करके दूसरे बैच को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सारे फ्राई हो जाने के बाद हम सीक्रेट मसालों के साथ इनको मज़ेदार बनाने वाले हैं। ये देखिए हमारे सीक्रेट मसाले। तो हमने यहाँ लिया है काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला। इन सारे मसालों को हमें मिक्स कर लेना है। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे जो प्रिपेयर किए हुए स्नैक्स हैं ना, उनके ऊपर हम इन मसालों को स्प्रिंकल कर लेंगे। ये देखिए हमारे चटपटे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व करने के लिए डिश आउट कर लेते हैं। ये रेसिपी बच्चे और बड़े दोनों भी बहुत शौक से खाएंगे। आप इनको 1 मंथ के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। 1 मंथ के बाद भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और करारे हैं। ये दिखने में ही नहीं टेस्ट में भी बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी थे। आप लोग इसको ज़रूर बनाना। आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। पोटैटो पिनव्हील्स। आज हम बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट पिनव्हील्स को बनाएंगे। अगर आपके पास 2 पोटैटोस हैं तो बस आप इसको इजीली घर पर ही बना सकते हो। घर के मसालों के साथ ही हम इसको मज़ेदार और चटपटा बना देंगे। तो चलो अब हम इसको झटपट बनाना शुरू करते हैं। कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ ये सुपर क्रिस्पी बनने वाले हैं। अब हम आलू को अच्छे से धोकर उसको पीसेस में कट करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये बॉईल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते, 5 से 10 मिनट के अंदर ये बॉईल हो जाते हैं। अब हम इनको चेक करके फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको एक छलनी में डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम आटा लगाते हैं। मैदा, सूजी, अजवाइन और नमक, इन सबको डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा घी डालना है। घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूखे आटे को ही हमें अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह बना लेना है। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक सख्त सा आटा लगा लेंगे। और इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। मैश किए हुए पोटैटोस में अब हम मसाले मिलाएंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, नमक, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे। रेस्ट किए हुए आटे को अच्छे से गूंध लेंगे। अब आटा लेकर एक पतली सी शीट में बेल लेंगे। अब पोटैटो का मिक्सचर लेकर एक चम्मच की मदद से इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसको धीरे धीरे रोल कर लेंगे। हमें इसको टाइटली प्रेस करते हुए रोल करना है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखो हमारे सारे पिनव्हील्स तैयार हो चुके हैं। चलो अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम से लो करेंगे। अब हम एक के बाद एक डालकर आहिस्ता से फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताने वाली हूँ जिससे कि ये पिनव्हील सुपर क्रिस्पी बन जाएंगे। 60% फ्राई होने के बाद अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। 2 मिनट के बाद अब हम इन्हें दोबारा तेल में डाल देंगे। इस स्टेप से ये ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। लो फ्लेम पे ही हम इनको फ्राई करते जाएंगे। ये देखो अब इन पर एक ब्यूटीफुल सा कलर आ चुका है। अब हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखने में ही ये बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं ना। अब आप अपने फेवरेट डिप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। वेरी यम्मी एंड सुपर क्रिस्पी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।